दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोंटीजन सेवा केंद्र में। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र का न्यू पोर्टल लॉन्च हो चुका है। कैसे आप घर बैठे जो है जन्म प्रमाण पत्र खुद से अप्लाई कर सकते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहे, कोई से भी स्टेट का आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहे, वीडियो को पूरा वॉच करिए। स्टार्ट करने से पहले अभी तक चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई को सपोर्ट दिखाइए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको इस वाले पोर्टल पर आ जाना है। आने वाले यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इसी के नीचे आपको मिलेगा जनरल पब्लिक से। आप इस पर क्लिक करोगे, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी, कोई सी भी चीज़ डाल सकते हैं, ये कैप्चा डालना है और लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, साइन अप पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने बाद सबसे पहले आपको नाम डालना पड़ेगा, मिडल नेम, लास्ट नेम, आप मेल है फीमेल है वो सेलेक्ट करें, डेट ऑफ बर्थ आप फिल करेंगे, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका स्टेट आएगा, तो कौन सा स्टेट है वो आप फिल करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो आप फिल करेंगे। उसके बाद आएगा आप सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज का नाम आपको डालना है। उसके बाद पिन कोड आपका क्या है वो आप फिल करिए। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस आपको फिल करना है, जो भी एड्रेस है आपका। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर आपका आधार नंबर बोला जाएगा, आधार नंबर आपको डालना है, नेशनलिटी आपका इंडियन रहेगा। फिर आई एक्सपेक्ट और यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर बोला जा रहा है, तो मोबाइल नंबर आपसे पूछा जा रहा है, मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा अपना। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, OTP आपको डालना पड़ेगा। तो OTP मेरा जो है आ चुका है, मैं OTP डाल लेता हूँ। और उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। अभी देख सकते हैं मेरा वेरीफाई हो चुका है, मोबाइल नंबर आ चुका है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, फिर आपको अपनी ईमेल आईडी डालना है, कैप्चा डालना है और यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भी OTP आएगा, उसी उसका भी OTP आपको वेरीफाई करना है। अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों में एक चीज़ डाल के, एक कैप्चा डाल के लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर फिर से OTP जाएगा, तो OTP मेरा आ चुका है, मैं OTP डाल लेता हूँ, लॉगिन बटन पर क्लिक करूँगा। अब आप लॉगिन हो चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और स्टिल सर्टिफिकेट, यहाँ पर सारे ऑप्शन आ चुके हैं। अब यहाँ से आप ये फॉर्म को जो है लॉगिन फॉर्म भर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट पे आपको क्या करना है, लोग फॉर्म भरने के लिए इस पर आप क्लिक करोगे। हम दोस्तों यहाँ जितने भी आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करोगे बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह के, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ड्राफ्ट एप्लीकेशन, रिजेक्टेड एप्लीकेशन, वेरीफिकेशन, स्लिप का भी ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आप यहाँ पे सारे को फॉर्म को प्रिंट वगैरह, स्लिप वगैरह, रिपोर्ट वगैरह सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ सारा फॉर्म आप भर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे हमारे चैनल को जो है सपोर्ट दिखाते रहिए, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लिया करो। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।